में बिजली समस्याओं के निवारण के लिए 482 करोड़ केंद्र सरकार से पास कराए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 370 करोड़ की लागत से 240 किलोमीटर की सड़क बनाने का काम शुरू कराया। 330 करोड़ के सड़क निर्माण कार्य केंद्रीय सड़क निधि द्वारा शुरू कराई। 3 करोड़ से अधिक की राशि से प्रधानमंत्री राहत कोष से गरीब मरीजों का इलाज कराया। केंद्र सरकार की 28 अलग अलग योजनाओं के तहत विकास कार्य शुरू कराए। उत्तर प्रदेश सरकार की 30 अलग अलग योजनाओं के तहत विकास कार्य शुरू कराए। अमरोहा से सांसद और समाज सेवी चौधरी कंवर सिंह तंवर जी ने। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम गरीब लोग हैं, इसलिए अगर वो हमारी मदद नहीं करते तो हमारी शादी इतनी अच्छे से नहीं हो पाती। हम वहाँ से शादी करते तो हम नहीं दे पाते इतना सामान जितना उन्होंने ये कमल सिंह ने दिया है। घर पे करते तो कर्जा करते, पानी करते, तब शादी करते। मसीहा हमारे लिए जो हमारे लिए इतनी मदद कर रहे हैं गरीब लोगों के, उनके बराबर किसी ने दया नहीं करी आज तक। बहुत सरसा जी, हमें तो भगवान की जैसे बड़े हैं हमारे लिए, तो भगवान तो चलकर भी नहीं देखते, वो तो सौ देख रहे हैं हमें। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की अमरोहा तक ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जिनकी जिंदगी से गम के बादल को हटाकर खुशियों की बारिश की है चौधरी कंवर सिंह तंवर जी ने। जी हाँ, समाज सेवी और लोकसभा सांसद श्री कंवर सिंह तंवर जी ने अमरोहा के लोगों की दिल खोलकर सेवा की है। एक समाज सेवी के रूप में चौधरी कंवर सिंह तंवर चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हजारों लोगों के दुखों पर मरहम लगाया है। वही सांसद के रूप में सरकारी योजनाओं को अमरोहा में लागू करवाया है। अपने इलाके के सांसद से लोग हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि वो उनकी समस्याओं को देश की संसद में जरूर उठाएगा और उनके क्षेत्र का विकास कर मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा। वहीं बात अगर अमरोहा के सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर जी की जाए तो वो एक ऐसे शख्स हैं जिनका जन्म ही लोगों की सेवा करने के लिए हुआ है। वो गरीबों की सेवा करने के लिए किस तरह से समर्पित रहते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वो सांसद नहीं थे उस समय भी वो अमरोहा के लोगों के हर दुख दर्द को दूर करने में लगे रहते थे। जैसे एक फूल का गुण है कि वो बिना किसी भेदभाव के अपने चारों ओर खुशबू बिखेरता है, वैसे ही चौधरी कंवर सिंह जी का गुण है लोगों की सेवा करना। इन्होंने सांसद होने के बावजूद खुद को एक सेवक और समाज सेवी के रूप में ही देखा है और जरूरतमंदों की हर संभव मदद की है। हजारों लोगों की जिंदगी में उजाले की नई किरण पहुंचाई है। एक और जहां समाज सेवी के रूप में अमरोहा में स्वास्थ्य सेवाओं को घर घर तक पहुंचाया है, बच्चों के हाथों में किताबें थमाई है, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को सम्मानित कर उनका मान बढ़ाया है। तो सांसद के रूप में पानी, सड़क और बिजली को गांव गांव तक पहुंचाया है, साथ ही अनेक लोगों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से आर्थिक मदद भी दिलाई है। मैं किसी को बोलूं भाई इस गरीब का काम करना है और इसकी आपको मदद करनी है, मैं डीएम को फोन करूं, मैं एसपी को फोन करूं, इसका नाजायज आप इसके साथ नाजायज हो रहा है, तो मेरी बात को सुनेंगे। और मैं एक समाज से भी रहूंगा तो मैं फोन करूंगा, वो मेरी बात को गौर करेंगे, तो न्याय नहीं मिलता, अब न्याय मिल जाता है। किसी भी देश की तरक्की उसके गांव के विकास के बगैर पूरी नहीं हो सकती और इसमें सड़क, पानी और बिजली की अहम भूमिका रहती है।
एक ओर लगातार हो रहे विकास कार्यों से जहां शहर की चकाचौंध बढ़ती जा रही है, वहीं गांव का बुरा हाल है। मगर चौधरी कंवर सिंह तंवर जी ने गांव में विकास कार्यों की गंगा बहाकर ये बता दिया है कि भारत की असली पहचान आज भी गांव से ही है। अमरोहा के विकास के लिए खुद को समर्पित कर चुके समाज सेवी चौधरी कंवर सिंह तंवर जी से बेहतर इनकी परेशानियों को भला कौन समझ सकता था। इसलिए 2014 में अमरोहा के लोगों ने कंवर सिंह जी को अपना नेता बनाकर सांसद के रूप में लोकसभा में भेजा और चौधरी कंवर सिंह तंवर जी अपने स्वभाव के मुताबिक अमरोहा के लोगों की सेवा में लगे रहे। इन्होंने अपने अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में आने वाले गांव का बड़े पैमाने पर विकास करके उनकी तस्वीर ही बदल दी है। ऐसे सांसद बने, बहुत देवदार काम करा है, आज तक बहुत बन गए ऐसा हमारे गांव में। सांसद हमारे गांव के लिए पहली बार सांसद ये ही आए हैं, वरना आज तक कोई सांसद आया ही नहीं। 126 मीटर कार्य इन्होंने शुरू कराया, सर्वप्रथम इन्हीं ने, बाकी किसी ने नहीं कराया। कंवर सिंह जी के अथक प्रयासों से केंद्रीय सड़क निधि योजना के तहत जल्द ही कई गाँव में सड़कों के नवीनीकरण और उनके चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। अमरोहा में आज भी ऐसे दूर दराज के इलाके हैं जहां ना कोई डिस्पेंसरी है और ना ही कोई अस्पताल। ऐसे में लोगों के लिए कंवर सिंह तंवर द्वारा शुरू की गई मोबाइल डिस्पेंसरी उन लोगों की जिंदगी के लिए संजीवनी बूटी का काम कर रही है। मोबाइल डिस्पेंसरी वैन के आगे लाइन बनाकर खड़े ये लोग अपना इलाज कराने आए हैं। सांसद जी द्वारा ये मोबाइल डिस्पेंसरी वैन सेवा के तहत वैन में मौजूद काबिल डॉक्टर उन गांव में जा जाकर लोगों का इलाज करते हैं जहां कोई भी सरकारी स्वास्थ्य सेवा केंद्र उपलब्ध नहीं है। मरीजों के इलाज और उनकी दवाइयों पर होने वाला सारा खर्च कंवर सिंह जी ही उठाते हैं। वहीं कई गंभीर बीमारियों और कैंसर से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से आर्थिक मदद दिलाकर न सिर्फ उनके जीवन को बल्कि परिवार को भी बेसहारा होने से बचाया है। जिनको भयंकर बीमारी है, कैंसर है या ऐसी है, वो इलाज नहीं करा सकते, उनका पैसा नहीं है। तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री राहत कोष से करीब करीब मैंने 3 करोड़ रुपया यहाँ जनता को मैंने दिलवाया, और जबकि प्रधानमंत्री का लिमिट है कितने आदमी को दिला सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी लेटर लिखता रहता हूँ, वो दे देते, उनका इलाज हो जाता बेचारों। बेटी जब बड़ी होती है तो हर माँ बाप को यही चिंता सताती है कि उनकी बेटी के हाथ पीले कब होंगे। बेटी की शादी की चिंता उन माँ बाप को खासकर होती है जो शादी का खर्च उठाने में सक्षम नहीं होते हैं, और ऐसे ही दुख बांटने के लिए हर कोशिश करते हैं चौधरी कंवर सिंह तंवर, जिन्होंने सामूहिक विवाह के जरिए न सिर्फ गरीब माँ बाप की चिंता दूर की बल्कि गरीब लड़कियों का घर भी बसाया। ये नजारा सामूहिक विवाह समारोह का है जहां अनेकों जोड़े उम्र भर के लिए शादी जैसे पवित्र बंधन में बंध गए। अपने इसी फार्म हाउस में साल 2012 से अपने खर्च पर सामूहिक विवाह का आयोजन करा रहे सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर जी इस बार भी ये नेक काम करने से पीछे नहीं हटे। 18 मार्च 2018 को गजरौला के झनकपुरी गांव में सांसद कंवर सिंह ने करीब 121 जोड़ों की सामूहिक शादी कराकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। वही शादी के बंधन में बंधने के बाद कई जोड़ों ने अपने सांसद का दिल से आभार प्रकट किया। इनमें ऐसे परिवार हैं जो वाकई में 10,000 रुपए खर्च नहीं कर पाएंगे,
शादी में उन बच्चों को ऐसा महसूस हो कि हमारे माँ बाप ने बढ़िया शादी करी है, तो मैं तो लोगों को यहाँ जो आते हैं या वो बेटियाँ जो आती हैं यहाँ दूल्हे दुल्हन जो यहाँ घर में आए वो ये समझते हैं कि ये मेरा घर है। शादी के बाद घर गृहस्थी चलाने में कोई दिक्कत ना हो इस बात का कंवर सिंह जी बखूबी ध्यान रखते हैं। कंवर सिंह जी ने सभी कन्याओं को घर में इस्तेमाल किए जाने वाले जरूरी सामान भी वैवाहिक जोड़ों को उपहार स्वरूप दिया। साल 2012 से लेकर अब तक कंवर सिंह तंवर जी सामूहिक विवाह के जरिए हजारों बेटियों का घर बसा चुके हैं। बतौर सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर जी ने इस सामूहिक शादी में उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह कर सभी जोड़ों को 20,000 रुपए का चेक भी दिलाया। हमारे योगी जी ने तो पूछा मेरे कंवर सिंह जी कैसे करते हो शादी में कि मैं ऐसे करता हूँ, तो आप लड़की को जो मैं सामान दे रहा हूँ सब कुछ जो देता हूँ तो आप इसमें 20,000 का जो चेक लड़की के नाम से देते हो वो इन बिटिया को भी दे दो। तो मेरी बात उन्होंने मान ली, तो मैंने एक्स्ट्रा इस बार 20,000 भी सरकार से इन बच्चियों को दिलवा रहा हूँ। उन्होंने तो बहुत कुछ दिया है, सिलाई मशीन भी, टेबल, 4 कुर्सी, चमची और सब गोल्टा और बेड, पता नहीं कितने कपड़े हैं, मुझे तो ये भी गिनती में आई, एक जोड़ी कपड़े पहनाए के लाए थे। उन्होंने सहायता कर दिया, हम चिंता से दूर हो गए, ये सर से बोझ हमारा हल्का हो गया। एक सैनिक देश की सुरक्षा करते हुए सरहद पर शहीद हो जाता है। सैनिकों की शहादत क्या होती है, उसके जाने के बाद उनके परिवार वालों पर क्या बीतती है, सैनिकों की शहादत का कर्ज देशवासियों को कैसे चुकाना चाहिए, इन सभी बातों को चौधरी कंवर सिंह तंवर बखूबी समझते हैं। और कंवर सिंह तंवर जी ने शहीदों के परिवार वालों को हर वो संभव मदद देने का बीड़ा उठाया है जिसके वो सही मायने में हकदार हैं। समय समय पर कंवर सिंह जी शहीदों के परिवार वालों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास भी करते रहते हैं। कंवर सिंह जी ने संबल में शहीद जवान की पत्नी को अपनी तरफ से 2,51,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। कंवर सिंह जी ने अपने इलाके में शहीद हुए जवानों की प्रतिमाएं बनाने की भी घोषणा की है। आज हम यहाँ जीवित बैठे तो सैनिकों की वजह से ही बैठे हैं, और सैनिक का सबसे ज्यादा इज्जत हम लोगों को करनी चाहिए, सबको मैं सलाम करता हूँ उनको, इनकी ही वजह से आज हमारा देश बचा हुआ है। कहते हैं गुरु के आसन पर मनुष्य नहीं परमात्मा खुद आसीन रहते हैं, और गुरु ही होता है जो छात्र की तरक्की का मार्ग प्रशस्त करता है। चौधरी कंवर सिंह तंवर जी ने इस बात की संजीदगी को बखूबी समझा है और समय समय पर गुरुओं का सम्मान कर उनका मनोबल ऊंचा किया है। सांसद कंवर सिंह तंवर मानते हैं कि गुरु का ओहदा भगवान से भी ऊपर है, लिहाजा उन्हें हमेशा सम्मान मिलना चाहिए। गुरु ही है जो ज्ञान देकर हजारों छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाता है। समय समय पर कंवर सिंह शिक्षकों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन करके उन्हें वो सम्मान देते हैं जिसके वो सही मायनों में हकदार है। उनको मान सम्मान दिया वो खुश हो जाते हैं। अगर एक एक आदमी एक इंसान हमें हमारे सम्मान कर रहा है तो वो जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक बहुत बड़ा उनके अंदर वो आता है कि हम समाज की सेवा है ना। वो भी दुनिया की खूबसूरती बगैर आंखों के देखने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो गरीबी के चलते अपनी आंखों का इलाज नहीं करवा पाते और हमेशा के लिए जिंदगी में उनकी अंधेरा छा जाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों की रोशनी ना खोए, वो अपनी आंखों का बेहतर इलाज करा सके, इसके लिए चौधरी कंवर सिंह तंवर समय समय पर निशुल्क आई कैंप लगाते हैं और बेसहारा बुजुर्गों को पेंशन भी देते हैं। कई लोग पैसों की तंगी के चलते आंखों का ऑपरेशन नहीं करा पाते जिससे उनके आंखों की रोशनी चली जाती है। कंवर सिंह तंवर जी हर साल कैंप लगाकर लोगों की आंखों का निशुल्क ऑपरेशन कराते हैं, साथ ही लोगों को कैंप में निशुल्क दवाइयां भी दी जाती हैं। यही नहीं, जिन मरीजों को बड़े ऑपरेशन की जरूरत होती है उनका दिल्ली में मुफ्त ऑपरेशन करवाते हैं। यहां तक कि मरीजों और उनके एक अटेंडेंट के दिल्ली आने जाने का सारा खर्च भी खुद सांसद कंवर सिंह तंवर जी उठाते हैं। हमारी गाड़ी जाती है लेके, जब दो दिन उनको एडमिट कर देते हैं, दो दिन में ठीक हो जाते हैं, फिर ले आते हैं, फिर उनके घर छोड़ देते हैं।
एक मेरे सेवा का काम है जी, और सेवा भाव मेरे अंदर मेरे माँ बाप ने कूट कूट के भर दिया। अगर आप सेवा करते रहो, ये धन ना हम साथ लेके जाएंगे ना आप साथ लेके जाएंगे। कहते हैं किसी भी देश या राज्य के हालात का अंदाजा वहाँ की महिलाओं की दशा को देख कर लगाया जा सकता है। महिलाओं के उत्थान के लिए अग्रसर चौधरी कंवर सिंह तंवर ने गाँव की लड़कियों की पढ़ाई के लिए खर्च उठाया है। वो अपने भाषणों में भी यही कहते हैं कि बेटी को बिना भेदभाव के शिक्षित करना चाहिए। सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत हमेशा लोगों को जागरूक करने का प्रयास करती रहती है। इतने प्रयासों के बाद आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। सांसद कंवर सिंह तंवर जी जहां भी जाते हैं वहां वो अपने भाषणों में बेटियों की शिक्षा पर काफी जोर देते हैं। कई गरीब परिवार की बेटियों की पढ़ाई का खर्च कंवर सिंह जी खुद ही उठाते हैं। उन्होंने अपने इलाके में बेटियों की शिक्षा के लिए अलग से विद्यालय बनाने की घोषणा भी की ताकि बेटियां बिना किसी डर और संकोच के पढ़ाई कर सके। बच्चियों को पढ़ाते नहीं लोग, वो कहते हैं यार ये 5 क्लास पढ़ ली ना, चलो बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। तो हम चाहते हैं अपने क्षेत्र की सब जनता को, मैं तो ये बोलता हूँ बेटियों को पढ़ाओ। जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेजते या सरकारी स्कूल में भेजते हैं या दूर दूर नहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो मैं अपनी तरफ से 100 लड़कियों की हर महीना 30 मेरे से ले लें, पहले तो 5वीं क्लास तक, क्योंकि बच्चों को लाना आना मैं स्कूल में। जब बच्चे स्कूल में आएंगे, जब 100 लड़कियां और पढ़ने आएंगी, उसकी फीस मेरी तरफ से हर महीना स्कूल को मिलेगी। हर महीने में 100 लड़कियों की फीस और 2 टीचरों की तनख्वाह मैं अपने पास से हर महीना आप लोगों को दूंगा, स्कूल को दूंगा। खुद किसान परिवार में जन्मे चौधरी कंवर सिंह तंवर किसानों की दुख तकलीफ को बखूबी समझते हैं। वो जानते हैं कि किसान दिन रात मेहनत करते हैं तब जाकर हमें खाना नसीब होता है। किसानों के साथ कोई अन्याय ना हो, उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके, इस दिशा में चौधरी कंवर सिंह तंवर जी ने कई सराहनीय काम किए हैं। कंवर सिंह जी चाहते हैं कि किसानों की सभी समस्याएं जल्द से जल्द खत्म हो, साथ कोई भी अन्याय ना हो, उन्हें उनकी मेहनत के मुताबिक समर्थन मूल्य मिले, उन पर कर्ज की मार ना पड़े। कंवर सिंह जी चाहते हैं कि किसानों की सभी समस्याएं जल्द से जल्द खत्म हो। अपने इसी संकल्प के साथ वो हमेशा ही किसानों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। किसानों के साथ कोई भी अन्याय ना हो, उन्हें उनकी मेहनत के मुताबिक समर्थन मूल्य मिले, उन पर कर्ज की मार ना पड़े, इसका सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर जी हमेशा ध्यान रखते हैं। समय समय पर किसानों की समस्याएं सुनने वाले कंवर सिंह जी ने कई बार लोकसभा में किसानों के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। 10-12 साल पहली बात है, इसी रोड के ऊपर NH-24 के ऊपर किसानों ने धरना दे दिया। उस टाइम सरकार मुलायम सिंह की थी, उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग कर दी, तो 6-7 किसान वहाँ शहीद हो गए। तो वो मैंने वहाँ एक गेट बना रहा हूँ यहीं पर, वो किसान शहीद द्वार के नाम से। जहाँ सोच वहाँ शौचालय, केंद्र सरकार की इस पहल को बतौर सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने बहुत अच्छे से समझा है और बहुत सारे गांवों में लाखों शौचालयों का निर्माण भी करवाया है और यहाँ के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया है। केंद्र सरकार की इस पहल को गंभीरता से लेते हुए सांसद कंवर सिंह तंवर जी ने अपने क्षेत्र में काफी काम किया है। उन्होंने अमरोहा के दूर दराज इलाकों में बसे गांवों में लोगों को शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित किया, साथ ही इसे बनाने में आने वाले खर्च के लिए केंद्र सरकार से दी जाने वाली आर्थिक मदद को भी जल्द से जल्द लोगों को दिलवाने में सफल रहे। कई ऐसे भी गांव हैं जहां इन्होंने अपने खर्चे से ही शौचालयों का निर्माण कराया है। कंवर सिंह जी ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि जल्द से जल्द बाकी गांवों में भी शौचालय बनने का काम पूरा हो जाए। सांसद हो या विधायक, उसकी पहली प्राथमिकता अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को दूर करना होता है। मगर अमरोहा से बीजेपी के सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर जी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के घाटी गांव में गरीब बच्चों के लिए कागज और कलम से विकास की एक नई इबारत लिखी है और ये बता दिया है
कि वो समाज सेवा किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि गरीबों के उत्थान के लिए करते हैं। गरीबी और भूख कई कारणों से आज भी देश के कई कोने में अपनी पैर जमाए हुए है, और ऐसे में ये स्वाभाविक है कि वहाँ के लोग शिक्षा को लेकर उतने उत्साहित नहीं होंगे। वहीं चौधरी कंवर सिंह तंवर का मानना है कि शिक्षा वो हथियार है जिसके जरिए गरीबी और भूख से न सिर्फ लड़ा जा सकता है बल्कि उस पर काबू भी पाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के घाटी गांव में गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाकर चौधरी कंवर सिंह तंवर जी ने अपने इसी सोच को उजागर किया है। चलती है ना रोड पे, कोई गाड़ी चलती है जिससे हम बच्चों को ले जाएं। फिर मैंने उस महाराज से पूछा, अगर बच्चा यहाँ एक स्कूल बनवा दो चल जाएगा। मैंने वहाँ एक स्कूल का निर्माण कराया और मैंने उनको एक बस भी दे दी। आज उस स्कूल में मैं देख के आया था, बच्चों ने 90% 92% नंबर उस स्कूल में ले रहे हैं और वो महाराज जी चला रहे स्कूल। जिस तरह से एक पक्षी के लिए सरहद कोई मायने नहीं रखती, उसी तरह से चौधरी कंवर सिंह तंवर के लिए कोई जाति धर्म संप्रदाय मतलब नहीं रखते। वो जानते हैं तो सिर्फ लोगों की सेवा करना, यही उनकी भूख है और यही उनकी परम इच्छा। सावे पिया सवार पिथी नौ छावर दिन में